आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार है उन बाबा साहब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में एक विषय का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन आजादी के 60 साल में हम ज्यादातर अधिकारों की चर्चा करते रहे हैं। देश में जहां भी जहां देखो अधिकार की चर्चा होती है। क्यों ना इस 26 जनवरी को हम कर्तव्य की चर्चा करें। ऐसी एक बात मैंने मन की बात में रखी थी, लेकिन आज मुझे स्वीकार करना चाहिए, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए कि यह सभागृह और यहां उपस्थित लोग वे हैं जो सिर्फ कर्तव्य की चर्चा नहीं, कर्तव्य करके दिखाया है। इस अवसर का सबसे ज्यादा किसी को आनंद हुआ होगा तो बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को। इस सभागृह पॉलिटिशियनों से खचाखच अगर भरा होता, सभी शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के पॉलिटिशियन से भरा होता, मेरे जैसा पिछड़ा भी उसमें होता तो भी शायद बाबा साहब उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आज प्रसन्न होते। मैं मानता हूं मुझे यहां आपके बीच आकर के आपके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं मिलिन का और उसके सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया कि ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपनी जेब से 1500 रुपया डेलीगेशन फी देकर के आए हैं, और ये डेलीगेट्स खुद के खर्चे से यहां होटलों में ठहरे हैं। हम जानते हैं देश का जमाना कैसा है। आने के लिए वो पूछता है क्या दोगे। और यही तो चीज है कि जिसके कारण पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नए सिरे से सोचने के लिए